महिलाओं को जितना ज़्यादा हो सकता है उनको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के हर क्षेत्र में हर जगह पे अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहिए। जब आपके नाम के साथ आपके शहर का और आपके ज़िले का या फिर आप जहाँ से हो वहाँ का नाम जुड़ता है तो एक अलग ही एक वो रहती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारे साथ जो लड़की मौजूद है वो समस्तीपुर की है और ऐसा गा देती है जो दिलों पर राज कर देती है, आवाज़ दिलों पर राज कर देती है। हेलो, कौन गर्ल हैं आप? और हाल ही में 15 अक्टूबर को आपका गाना आया था सासों की माला पे, 3 अक्टूबर को भी आपका गाना आया था, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो लाइव सिटीज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आपने कहा समस्तीपुर की है तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब आपके नाम के साथ आपके शहर का और आपके ज़िले का या फिर आप जहाँ से हो वहाँ का नाम जुड़ता है तो एक अलग ही एक वो रहती है। और आज मुजफ्फरपुर में आई हूँ डांडिया नाइट्स के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो यस, और सासों की माला आया था गाना, लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमेशा से एक कोशिश रहती है कि भोजपुरी को हिंदी के साथ साथ जो हमारी भोजपुरी है उसको एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश करूं, उसी में से एक एग्जांपल है सासों की माला। अच्छा, इससे पहले भी 3 अक्टूबर को पहला प्यार गाना आया था? हाँ, पहला प्यार गाना वो मेरे ऑफिशियल चैनल स्नेह उपाध्याय ऑफिशियल पे आया था। अच्छा, आज तो तहलका मचाने वाली है, कहा जा रहा है? कोशिश तो यही है। हाँ, काफ़ी दिनों से यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतने सारे मेंशंस आ रहे थे यहाँ के मुजफ्फरपुर के, सो जितना यहाँ के लोग एक्साइटेड हैं मुझे देखने के लिए उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ के लोगों से मिलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। छोटे से ज़िले की आप हैं और तहलका मचा दिया आपने। बस ये तो लोगों का प्यार है, माँ बाप का आशीर्वाद है, बस लोगों के प्यार की वजह से ये। और लोग इतना सिर्फ मेरे करने से नहीं होता है, सामने आप कितने भी कोशिश करो जब तक आपको रिवर्ट फाइनल फीडबैक नहीं मिलता है, लोगों से प्यार नहीं मिलता है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना मुश्किल सा सफर? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, और एक लड़की के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट सारी मुश्किल में निगेटिविटी को साइड करके हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और वही पॉजिटिव वाइब्स लेके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, छठ पर भी आने वाला है, ऐसे में कोई गाना आने वाला है क्या? अभी तक कुछ ऐसा प्लान नहीं है, छठ के गाने का नहीं हो पाया इस साल। मैं हर साल छठ का गाना करती हूँ, इस बार थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, बट अभी भी टाइम है, कोशिश करूँगी कुछ हो जाए इस बीच तो हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है इस बार। बिहार वालों को लेकर क्या कहेंगे? बिहार वालों को बस यही बोलूँगी कि बिहार, मैं तो खुद ही बिहारी हूँ, सो जितने भी लोग हैं आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखिए, और मेरी जो कोशिश है बिहार को एक अलग मुकाम पे ले जाने की, एक अलग जगह पे पहुँचाने की, प्राउड टू बी बिहारी, ऐसे लोग सीना चौड़ा करके बोले कि मैं बिहार से हूँ, बस यही कोशिश है, आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखिए। अच्छा, महिला आरक्षण बिल आया था देश में महिलाओं को लेकर, चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा, ऐसे में इसको लेकर नीतीश सरकार ने पहले भी आरक्षण दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण की बात पॉलिटिकली तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, महिलाओं को आरक्षण की बात है जहाँ तक महिलाओं के लिए, मुझे आज के डेट में जिस हिसाब से पुरुष से ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जैसे सब लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह एक महिला का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो महिला आरक्षण तो आना ही था। और उसके लिए, क्योंकि मुझे पॉलिटिकली उस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस इतना बोलूँगी कि महिलाओं को जितना ज़्यादा हो सकता है उनको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के हर क्षेत्र में हर जगह पे अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहिए। तो ये थी समस्तीपुर की लड़की, हेलो कौन गर्ल, और जो काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में है और आज मुजफ्फरपुर में तहलका मचाने वाली है। तो भाई रहे लाइव सिटीज़ के साथ।